हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन अर्थवॉर्म, लिजार्ड, कॉकरोच, टोड। तो ओपन टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किस में होता है। तो किस ये आपके सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम बात हो रही है आपके ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, हमें पता है कि हमारे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम आप बोल सकते हो, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपका ओपन एंड सेकंड होता है आपका क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है, आपके वेसल्स नहीं होती हैं और ब्लड फ्रीली मूव करता है। इसमें क्या होता है, आपके वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है, आपके ओ क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें कि आपके ब्लड फ्लो जो होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड फ्लो किसके थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू होता है। और इसमें क्या होती है, थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं ऑर्थोवॉर्म्स में। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है आपकी एरोटिक आर्क, सेकेंड होती है डॉर्सल ब्लड वेसल, थर्ड होती है वेंट्रल ब्लड वेसल। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या होता है, ब्लड इन इन वेसल्स के थ्रू ब्लड जो होता है वो ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, ये टाइप किसका हो गया, आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का हो गया। ठीक है, ये हो गया इसमें अर्थवॉर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम अपने सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये भी क्या है, लिजार्ड आपका क्या है, एक रिप्टाइल है, और ये टोड आपका एम्फीबियन। इनमें भी रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में लिजार्ड, और हम बात कर रहे हैं लिजार्ड और टोड की, दोनों में ही कैसा होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन क्या बचता है, सी कॉकरोचेस। कॉकरोचेस किस में आते हैं, आपके ऑर्थोपॉड्स में आते हैं। इसमें क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, पंप करता है ब्लड को, तो वो क्या होता है, वो फ्लो करता है ओपन इन बॉडी कैविटी में। ठीक है, बॉडी कैविटी में वो फ्रीली ओपन करेगा, फ्रीली मूव करेगा, सॉरी। तो इसमें, और इसी जो बॉडी कैविटी में, इसी बॉडी कैविटी में ब्लड है, और इसी बॉडी कैविटी में क्या होगा, आपके ऑर्गन्स रहेंगे। ठीक है, इसी में क्या रहेंगे, आपके ऑर्गन्स रहेंगे। तो ये जो ऑर्गन होते हैं, डायरेक्ट जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से ले लेते हैं, ब्लड से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अलग से हमें सिस्टम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बॉडी कैविटी में ब्लड भी है और ऑर्गन्स है, तो वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन ऑर्गन्स जो है वो ब्लड से ले लेते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो अलग होती है, इंडिपेंडेंटली होती है थ्रू अ सेपरेट क्लोज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, क्लोज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, लेकिन जो हमारा न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है वो डायरेक्ट ब्लड से ऑर्गन को हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉकरोच में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि किस टाइप का ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किस में होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन सी कॉकरोच आंसर है।
आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.